शरद पवार और बाल ठाकरे की मुलाकात ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बाल ठाकरे ने शिवसेना सुप्रीमो से आईपीएल को अच्छी तरह से निपटने का आशीर्वाद क्या मांग लिया, कांग्रेस की त्योरियां चढ़ गई हैं। उसका मानना है कि सुरक्षा देना सरकार का काम है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का। फिलहाल एनसीपी को इस मुलाकात में कोई भी काबिल एतराज नहीं लग रहा है। शिवसेना हाल ही में दो बड़े राजनीतिक प्रोपेगेंडा पर मुंह की खा चुकी है। न ही वो राहुल गांधी के मुंबई आगमन का विरोध कर पाई और न ही वो शाहरुख खान से माफी मंगवा पाई। जाहिर है ऐसे में पार्टी के हौसले थोड़े तो पस्त होंगे। शायद यही सोचा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने और वो पहुंच गए मातोश्री आईपीएल को शांति से निपटवाने का आशीर्वाद लेने। लेकिन यहाँ शरद पवार ने एक तीर से दो शिकार खेले। पहला तो उन्होंने बाल ठाकरे से मुलाकात कर शिवसेना को अहमियत दे दी और दूसरा कांग्रेस को बिना बोले एक राजनीतिक धमकी भी दे डाली। गौरतलब है कि कांग्रेस और उनके साथ महंगाई को लेकर खींचतान चल रही है और दिलचस्प बात यही है कि एनसीपी को शरद पवार का बाल ठाकरे से मिलना बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं लगता और इस मुलाकात पर चौंकने वाली कांग्रेस को भी वो नसीहत दे रहे हैं। वो चाहते थे कि क्यों ऐसे आप बातें कर रहे हैं और उनको जो है समझाने की बात थी। अब ठीक है, वो बताने के उसमें और ज्यादा क्या बातें हुई, मगर मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो है कोई शंका कोई संदेह जो है निर्माण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राज्य में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार हो तो शरद पवार की शिवसेना से सुरक्षा की गुहार लगाने का क्या मतलब है। जाहिर है इससे उन्होंने अपनी ही पार्टी के गृह मंत्री आर पाटिल की काबिलियत और पुलिस की क्षमता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और ये कांग्रेस को काफी परेशान कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कभी दबाव की राजनीति करी, न किसी दबाव के सामने झुकने वाली है। कांग्रेस एक ही दबाव की राजनीति करती है, वो है विचारधारा। तो मुझे लगता है कि अगर पवार साहब को विश्वास है कि नहीं तो आर पाटिल साहब से पूछ सकते हैं, केंद्र सरकार में खुद है वो, ये बात आप उनसे पूछ सकते हैं, उनको विश्वास है कि नहीं है। शिवसेना की चुनौती को करारा जवाब देकर राहुल गांधी और शाहरुख खान दोनों ने ही मानो पार्टी का अहंकार ही तोड़ दिया, मगर शरद पवार की एक ही मुलाकात ने जैसे सारे किए कराए पर पानी फेंक दिया है। वीरेन गुनावत के साथ अभिषेक चौधरी, मुंबई आज तक।